नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने पकड़े 5.5 लाख रुपए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की कार्रवाई। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर धौलपुर जिले की पुलिस एवं प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस परिवहन और सेल्स टैक्स विभाग की टीम ने 2 अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए 5.5 लाख की नकदी जब्त की है। पुलिस ने सागरपाड़ा चौकी एवं हाउसिंग बोर्ड चौकी पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की है। दोनों के कार मालिक को पुलिस ने राउंड अप किया है। जानकारी देते हुए सीओ सिटी सुरेश सांखला ने बताया कि 25 नवंबर 2023 को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देश में मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर सघन नाकाबंदी की जा रही है। परिवहन विभाग और सेल्स टैक्स विभाग को साथ लेकर गुरुवार की शाम को NH 44 स्थित सागरपाड़ा पुलिस चौकी पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने ग्वालियर की तरफ से आ रही हुंडई कार को पकड़ा और चेकिंग करते हुए गाड़ी के अंदर से 2.5 लाख का कैश बरामद किया। गाड़ी मालिक प्रशांत गुप्ता द्वारा बरामद की गई 2.5 लाख की राशि का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। सीओ सांखला ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग को मामले से अवगत करा दिया है। वहीं धौलपुर कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड चौकी पुलिस ने नाकाबंदी कर चेकिंग के दौरान एक कार से 3 लाख की नकदी जब्त की है। स्विफ्ट कार के अंदर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रामचरण निवासी बसेड़ी का होना बताया है। सेल टैक्स विभाग को सूचना दी गई है। इस तरह पुलिस ने धौलपुर शहर में 2 अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान 5.5 लाख की नकदी जब्त की है। सुबह से ही सागरपाड़ा चौकी पे नाकाबंदी चल रही है और आज नाकाबंदी के दौरान एक सस्पेक्टेड गाड़ी में कुल 2.5 लाख रुपए मिले, जिनका हिसाब से टेंशन नहीं किया जाने का उसको जब्त किया। गाड़ी कौन को जब्त किया जी? क्या जब्त किया? 2.5 लाख रुपये। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर के निर्देशानुसार आज हाउसिंग बोर्ड चौकी अंतर्गत थाना धौलपुर कोतवाली में नाकाबंदी श्री नोबेल कुमार उपनिरीक्षक के द्वारा की जा रही थी। दौरान नाकाबंदी एक स्विफ्ट गाड़ी आई, जिसमें एक मोहन सिंह पुत्र रामचरण जाटव निवासी कोई बसेड़ी का रहने वाला था, उसके गाड़ी से 3 लाख रुपए मिले हैं, जिनको आचार संहिता के अंतर्गत निर्धारित राशि से अधिक होने के कारण जब्त किया गया है।